Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you guys, you all are doing great job. So today's videos is all about how to do skin care at home in simple steps. तो सबसे पहले जब भी स्किन केयर की बात होती है तो हम अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करते हैं, और अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करने के लिए आप बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान तरीका कि आप कैसे अपने फेस के हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो भी जस्ट 2 मिनट. तो अगर आपको रेज़र यूज़ करना आता है तो आप रेज़र यूज़ करें, वो बॉयज़ वाला नहीं, आपको गर्ल्स वाला रेज़र यूज़ करना है. तो आपको ये रेजर लेना है और इसकी हेल्प से आपको अपने फेस के सभी हेयर्स को रिमूव कर लेना है. लेकिन जब आप रेजर यूज करो कि मेक श्योर कि आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, उसके बाद ही आप रेजर की हेल्प से अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करें. ये अपने फेस के हेयर से अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है. और अगर आपको रेज़र यूज़ करना आता है देन तभी आप इसको ट्राई करें, अदरवाइज़ आप रिस्क ना लें वरना आपके गालों पर कट भी लग सकता है. बहुत ही आसानी से आपके फेस पर जितने भी हेयर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. बस उसके बाद हम करेंगे अपना सेकेंड स्टेप फॉलो. लेकिन फेस के हेयर्स रिमूव करे हैं तो अब इसको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लेना है. और फेस को क्लीन करने के लिए आप कोई कॉटन क्लोथ्स भी यूज़ कर सकती हैं. सेकेंड स्टेप्स होता है हमारा स्क्रब का. स्क्रब की मैं बात करूँ तो मैं वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में दो ही तरह के स्क्रब यूज़ किए हैं. फर्स्ट एवर यूथ का स्क्रब और सेकेंड गुड वाइब्स का जेल स्क्रब. बिकॉज माई स्किन सो सेंसिटिव, इसीलिए मैं गुड वाइब्स का स्क्रब यूज़ करती हूँ जो कि जेल वाला होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है. और सेकंड है हमारा गुड वाइब्स का. गुड वाइब्स का मेरा सबसे पुराना है जिसे मैं स्कूल टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ. ऐसा नहीं है ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म भी होता है, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो मैं गुड वाइब्स का ही दोबारा यूज़ करती हूँ परचेज़ करके. गुड वाइब्स का जो स्क्रब है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. और जिनके ब्लैकहेड्स कम होते हैं उनके लिए वो और ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन जिनके ज़्यादा वो रहते हैं ब्लैकहेड्स उनके लिए गुड वाइब्स का, उनके लिए एवरयूथ का काफ़ी अच्छा है. और हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो है फेस पैक. तो फेस पैक में आपको अगर घर का बना हुआ फेस पैक ट्राई करना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मैंने ये गुड वाइब्स का रोज़ क्ले वाला अभी तक ट्राई किया है. और जो सेकेंड मेरा रहा है मुल्तानी मिट्टी, जो कि मार्केट वाली मैंने यूज़ की है. और जो थर्ड है, थर्ड में मैं घर की चीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ये है गुड वाइब्स का रोज़ क्ले जो कि रोज़ के पेटल्स से बना है. एंड पता नहीं यार बना भी है या नहीं, बट ये 100% नेचुरल है. इस प्रोडक्ट पर मेंशन है और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है. स्मेल तो इसमें रोज़ की बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने ना ये पहले से ही बनाकर रखा हुआ था. ये जो रोज़ के लिए है ये एक पाउडर के फॉर्म में आता है. इसमें आपको या फिर रोज़ वाटर या फिर कर्ड किसी के भी साथ इसका पेस्ट बना लेना है और उसके बाद अपने फेस पर लगा लेना है. जब आप अपने फेस पर लगाओगे तो आपको ये फेस पैक दिखेगा नहीं, लेकिन 15 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तो दिखने लगेगा. फिर आपको फेस वॉश कर लेना है. और जो हमारा लास्ट स्टेप्स है वो है हमारा लास्ट स्टेप फेस सीरम. आपको कोई अच्छा सा फेस सीरम लेना है. वैसे तो मेरे पास बहुत सारे फेस सीरम हैं, लेकिन अभी की इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगी गार्नियर का, क्योंकि ये जो गार्नियर का फेस सीरम है ये मेरी दी ने सजेस्ट किया था. उन्होंने ये यूज़ किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट उन्हें बताए उन्होंने बताए तो मैंने भी ये यूज़ कर लिया उन्हीं का लेकर. एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार. एंड अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं यार. एक तो स्पॉन्सर्स वाले हो जाते हैं, कुछ कुछ खुद के भी हो जाते हैं. जो मेरा खुद का रहा है वो मैंने खादी का विटामिन सी वाला यूज़ किया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और एक गुड वाइब्स का भी फेस सीरम है विटामिन सी का, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. जो कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड वाले मेरे प्रोडक्ट अलग हैं. सो ये है स्किन केयर